हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और बड़ी अपडेट देने के लिए हम आपके पास जुड़ चुके हैं। फ्रेंड्स, बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से अभी लगातार नई वैकेंसीज आ रही है, लगातार परमानेंट नियुक्ति आ रही है। इसी बीच एक और पोस्टों की नई खबर देखने को मिल रहा है। पोस्ट की बात करेंगे तो लैब टेक्नीशियन पोस्टों के लिए ये रिक्वायरमेंट है, अब बहुत बड़ी वैकेंसीज है चूँकि यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की परमानेंट नियुक्ति की बात यहाँ पर चल रही है। टोटल सीट की बात करेंगे टोटल पोस्ट का, तो 1223 पोस्टों की यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर जानकारी आ रही है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस नो एग्जाम, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने के बाद आप लोग अप्लाई करेंगे और आप लोग आराम से अपना डॉक्यूमेंट लगाएंगे। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको डायरेक्ट काउंसलिंग करके आपका मेरिट लिस्ट आपके मार्क्स के आधार पर यहाँ पर बना दिए जाएंगे। चलिए पूरा डिटेल्स जानकारी दिखाते हैं कि ये जो न्यूज़ आपके सामने दिखाई दे रहा है कहाँ से वायरल हो रहा है, किस वेबसाइट पर अपलोड है, क्योंकि अभी तक बात करेंगे तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। पूरे डिटेल्स जानकारी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक में पूरी जानकारी कंप्लीट सुनिएगा, फिर आपको जानकारी कंप्लीट होगा। अभी तक में 4 वैकेंसी जारी किया गया है, जैसे कि OT का, उसके बाद ECG टेक्नीशियन का, ECG टेक्नीशियन का, XRI टेक्नीशियन का, आप लोग देखे होंगे, उसके बाद ANM का, ये एक साथ रिक्वायरमेंट आया हुआ है। अब जब ये एक साथ एक रिक्वायरमेंट आया तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी एक साथ आया हुआ है और इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। जब इस तीनों का रिक्वायरमेंट आया था तो उसी बीच यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट भी आनी थी, लेकिन लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट नहीं आया। अब क्या हुआ कि ये रिक्वायरमेंट आज के डेट में वायरल हो रहा है। मैं फिर से बता दूँ कि ये नोटिफिकेशन आज के डेट में वायरल हो रहा है, तो चूंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का एक रणनीति है कि वेबसाइट पर पहले कोई जानकारी नहीं देते हैं। हम 4 वैकेंसीज की बात किए उसमें भी यही चीज़ हुआ था, पहले वेबसाइट पर नहीं दिया, पेपर के माध्यम से अनाउंस कर दिए 4-5 रोज पहले और बता दिया गया कि आपको इस डेट के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हो। न्यूज सही था, उसके बारे में हमको पहले भी जानकारी मिला हुआ था, तो हम 4 दिन पहले ही वीडियो बना दिए थे, ऑफिशियल नोटिस आने से पहले भी जानकारी दिए थे, 1-2 महीना पहले ही दे दिए थे, लेकिन इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से मेरे पास भी नहीं आया हुआ है। अब ये न्यूज़ किसी तरह से वायरल होकर के मेरे पास आया तो हम सोचे कि सारे कैंडिडेटों को यहाँ पर जानकारी दे दूँ, तो इसीलिए मैं इसको दिखा दूँ। खैर बात, अगर ये न्यूज़ सही हो जाते हैं तो लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला प्रवैधिक के पद पर 8/2022 विज्ञापन संख्या रहेंगे, 1223 पदों के लिए आवेदन आएगा और 17 अगस्त से ऑनलाइन स्टार्टिंग होंगे 15 सितंबर 2022 तक। चलिए इसके यहाँ पर अगर ये रिक्वायरमेंट आती है तो जनरल कैटेगरी के लिए 478 सीट रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 122, अनुसूचित जाति के लिए 195, अनुसूचित जनजाति के लिए 15, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 223 और पिछड़ा वर्ग के लिए 147 और महिलाओं के लिए यहाँ पिछड़ा वर्ग में 43, टोटल 1223 पदों पर परमानेंट नियुक्ति देखने को मिलेगा। अब ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी प्रोसेस www.btsc.bih.nic.in पर आप लोग देखेंगे, 16/8/2022 से देख सकते हो, ऐसा ये पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी आ रही है। तो चलिए इसे हम लोग फिलहाल वायरल न्यूज समझेंगे, एक खास न्यूज इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि वेबसाइट पर मैंने पूरी तरह से चेक कर लिया, कहीं पर जानकारी नहीं है और ये एक पेपर कटिंग है जो कि किसी के माध्यम से मेरे पास आया है, तो हम आपको बताएं। हम लोग तो वेट करेंगे, खुशी मनाएंगे कि जल्दी से रिक्वायरमेंट आ जाए, सबके पास रिक्वायरमेंट आएंगे तो एक नई सोच और एक नई बात रहेगा बिहार के अंतर्गत और स्टूडेंट और भी पढ़ाई करने में अच्छे लगेंगे। खैर बात, हम लोग को वेट करना है, फिर से मैं बता देता हूँ, एक वायरल नोटिस है, इसकी स्पष्टीकरण अभी मेरे पास कोई खास नहीं है, बस आपको मैं एक जानकारी के तौर पर दे दिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं करूँगा कि SHSB के माध्यम से यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की जो संविदा के लिए रिक्वायरमेंट निकाले गए थे भाई, उसका तो कम से कम रिजल्ट भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग नहीं दिया। खैर बात, इधर एक और नई परमानेंट नियुक्ति आया, ये भी खुशी की बात है, लेकिन उनका भी रिजल्ट के लिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट मैं जल्दी ही आप लोग को देने वाले हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट भी बहुत करते हो उसके रिगार्डिंग, तो हम जल्दी उसका अपडेट देंगे और एक नई जानकारी आपके पास अपडेट होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें, आपको भी ये PDF वहाँ से मिल जाएगा। और कोई नई खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।